जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज मेरे लिए और हमारे ग्रुप इंदौर फिजिकल एकेडमी के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि फौज भाई अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ पर आए। एक बार दिल से ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लव यू। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लव यू, प्राउड ऑफ यू। बढ़िया, अपने स्थान पर सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार दिल से ताली बजा दी सब लोग। कहते हैं दोस्तों कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है और फौजी भाई आज बहुत ज्यादा खुश है और आज भारतीय सेना की वर्दी पहनकर यहाँ पर प्रेजेंट है। एक बार सभी लोग दिल से ताली बजा दीजिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फौजी भाई से पूरा अपना अनुभव शेयर करेंगे, पूरा परिचय दिलवाएंगे किस तरह बंदे की वहां पर आर्मी की ट्रेनिंग रही और यहां पर आने के बाद में बंदे को कितनी खुशी मिल रही है। लव यू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मालिक के दुआ आशीर्वाद से यहां पर जितने बंदे बैठे अच्छे से मेहनत करो और आप भी इस तरह वर्दी पहनकर यहां पर आओ। दुनिया की तमाम बहुत ज्यादा फौजी भाई। जय हिंद साथियों। जय हिंद। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इंदौर फिजिकल एकेडमी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिनकी बदौलत और जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस वर्दी के लायक बन पाया हूं और इस वर्दी में खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मुझे दिल से बताना आपको कितनी खुशी हो रही है। भाई आप मुझे ये बताओ, वर्दी पहनकर आप यहाँ पर आए, एक समय था आप एक शॉर्ट्स और बनियान में दौड़ते थे और आज आप भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आए, आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये वर्दी आसानी से नहीं मिलती, जैसे कि साहब हमेशा बोलते हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि साहब वर्दी के लिए कुछ कहें। भारतीय सेना की वर्दी ऐसे नहीं मिल जाती है, इसके लिए तमाम गुस्सा लगाना पड़ता है, इसके बाद भारतीय सेना की वर्दी मिलती है। कुछ दिनों पहले मैं भी इसी ग्राउंड पे इन्हीं दोस्तों की तरह शॉर्ट कपड़े में दौड़ा करता था और आज मेरा सपना पूरा हो गया और आज मैं फाइनली इंडियन आर्मी की वर्दी में आपके सामने खड़ा हूँ। लव यू, गॉड ब्लेस। हमारे सर की बदौलत हुई, सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रणव जी। अब मुझे ये बताओ भोजी भाई, जब यहाँ से आप चले गए इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग कैसी रही आपकी, बताइए अपने दोस्तों लोग को बताइए। ट्रेनिंग तो सुना था कि बहुत हार्ड होती है, लेकिन यहाँ का वर्कआउट करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगा क्योंकि सर ने इतना मजबूत बना दिया था कि मैंने आराम से 8 महीने की ट्रेनिंग आराम से और एक्सीलेंट, जो भी इवेंट हुए हर इवेंट में मैंने एक्सीलेंट करके और पास, और आप आपके सामने मैं फाइनली ट्रेनिंग कम्प्लीट करके खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर की कृपा से आज मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपके सामने हूँ। ये सब आपकी मेहनत है, आपने बहुत पसीना बनाया और आपके रगों में खून है मेरे दोस्त, और आप शेर हो भारतीय सेना के शेर हो। अब मुझे बताओ फौजी भाई, जैसे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं है ना, ये बंदे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। जब यहाँ पर आप एकेडमी में आए थे, जब आपका समय कितना आया था और उसके बाद में कितने महीने यहाँ पर ट्रेनिंग ली और क्या लास्ट टाइमिंग था आपका? जरूर सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था मैं खुद नर्वस रहता था क्योंकि मेरी कोई अच्छी खासी टाइमिंग आती नहीं थी। मैं करीब घर से आया था तो 6 मिनट आती थी, पर यहाँ आने के बाद मेरा फर्स्ट ट्रायल 5:45 का हुआ था, 5:45 मैंने मारा था। इसके बाद वीकली टेस्ट होते गए और इम्प्रूवमेंट भी मैंने देखा, हर वीक में मेरा टेस्ट होता था तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता था और लास्ट जब मैं यहाँ से निकला तो मेरी 4:36 टाइमिंग गई। वाओ, ग्रेट। आप लोग भी नर्वस मत होइए, आप लोग भी कड़ी मेहनत करिए। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना पेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे ये यूट्यूब फैमिली है और ये भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, इन भाई लोग को क्या बोलना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना वर्कआउट सब लोग करवाते हैं, सर जितना भी वर्कआउट करवा रहे हैं ईमानदारी से करिए, विश्वास मानिए। मैं भी सर का जितना भी बताया हुआ है उसको फॉलो किया, कुछ नहीं किया, कोई जादू नहीं हुआ, मैंने 1 महीने में करीब 1 मिनट टाइमिंग घटाया है और ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो और आप भी इंडियन आर्मी में ईमानदारी से फॉलो करिए। सर इतना अच्छा वर्कआउट एक्सरसाइज कराते हैं कि
मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी एकेडमी पूरी दुनिया में कोई हो सकती है। और YouTube फैमिली को क्या बोलना चाहेंगे आप? YouTube फैमिली को यही बोलूंगा कि अगर आप भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इंदौर फिजिकल एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ आने के पहले 2-3 महीने करीब इंदौर फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब से वीडियो देख देख के बहुत सारी तैयारी करी थी, उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी। तो आप लोग अगर यहाँ आ सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा एक्सरसाइज वर्कआउट सब कुछ कराते हैं, आपका इंडियन आर्मी में भर्ती में सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो गई है, आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। भारत माता की जय। फौजी बनोगे यस सर। फौजी बनोगे यस सर। फौजी बनोगे यस सर। भारत माता की जय। आप सभी लोग अपने माँ बाप का जरूर ख्याल रखें। आज के लिए इतना, का भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल ऑफ यू। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।